अगर आप हॉलीवुड लवर हैं तो आप मैच कर पाएंगे उस चीज को कि हाँ जो प्रोडक्ट यहाँ पे रखा है वो वहां पे स्टार पहन चुका है। हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है किप्टा क्लोदिंग के एक और छोटे से इंटरव्यू में। आज हम लोग बैठे हैं पंकज जैन जी के साथ में और आज हम उनसे ये जानने आए हैं कि हाउ दिस एम्पायर वॉज बिल्ट। मैं पूछना चाहता हूँ उनसे उनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और कैसे अब वो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हेलो पंकज जी। हेलो, कैसे हैं? फाइन जी। तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी इस जर्नी के बारे में, कि आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और अब आप कहाँ पर उसको ले जाना चाहते हैं? हम पहले छोटे से इस लेवल से हमने काम स्टार्ट किया, आज एक अपना ब्रांड बनाते हैं K98 तक पहुँच चुका है और उसमें काफ़ी अच्छा लेवल है और काफ़ी पॉपुलर लेवल है। हर कस्बे में, हर शहर में हमारा लेवल जाता है, हर शोरूम पे हमारा लेवल जाता है। अब एक नई जनरेशन स्टार्ट हुई है, मेरा बेटा मेरे साथ आना स्टार्ट हुआ है, तो ये वो एक इंटरनेशनल ब्रांड की तैयारी कर रहा है। हमने एक नया ब्रांड लॉन्च किया है किप्टा, ये इंटरनेशनल लेवल पर काम करेगा। तो ये मेरा बेटा है, बेटे के लिए मैं सपोर्ट करूँगा, बेटे को ये हैंड ओवर करूँगा, वो अपने लेवल से काम करेगा। तो जैसा कि आपने अभी पंकज जैन जी से सुना कि वो अपना एम्पायर अभी अपने बेटे को टेक ओवर करने के लिए दे रहे हैं, तो क्यों ना हम उनसे ही पूछें कि उनके आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं इस प्रोडक्ट को, इस कंपनी को लेके। तो हम कनक जी से ही पूछते हैं। हेलो कनक जी। हाय, हाउ आर यू डूइंग? आई एम फाइन, हाउ आर यू? अब ये नई जनरेशन कहाँ ले जा रहे हैं आप? मैं देख रहा हूँ कि हमारा कोई इंडिया का ना कोई ब्रांड ऐसा नहीं है कि जो इंटरनेशनली रीच कर गया हो। तो अभी मैंने ये देखा कि इंडियन मार्केट को एक ज़रूरत है बूस्ट की, कि कोई उनका खुद का ब्रांड हो जो कि इंटरनेशनल सेल हो रहा हो। क्योंकि हमने आज तक ये देखा है कि हम इम्पोर्ट ही कर रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो मेरा ध्यान वहीं गया कि हम क्यों ना हम एक्सपोर्ट करें अपने ही ब्रांड नेम से। क्योंकि क्या होता है कि हम जब एक्सपोर्ट भी करते हैं तो उन्हीं के नेम टैग, उन्हीं के लेबल से करते हैं, बट क्यों ना हम अपनी ही मैन्युफैक्चरिंग का माल बाहर एक्सपोर्ट करें इंटरनेशनल मार्केट में। तो ये क्या प्रीमियम क्वालिटी कैसा है, या आप मुझे डिस्क्राइब कर सकते हैं इसको? ये किसी भी अच्छे बड़े ब्रांड की तरह ही रहेगा इसका प्रोडक्ट, और काफ़ी ब्रांडेड लुक रहेगा और प्रीमियम क्वालिटी कहते हैं जिसको, और एट अ होलसेल प्राइस ऑफ इंडिया। उस प्राइस में। तो ये जो आप अभी जो नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, ये इसके जो स्टाइल्स रहेंगे, जो सब कुछ है, जैसे आप जानते हैं किप्टा क्लोथिंग आपका ये ब्रांड नया आया है, तो सब कुछ नया रहेगा। सब कुछ एक तरीके से मेरे फादर ने जब स्टार्ट किया था, उन्होंने एक छोटा सा ब्रांड हुआ करता था हमारा कनेक्ट, कनेक्ट से स्टार्ट करके हम K98 तक पहुँचे हैं। ऐसे ही हम किप्टा को मैंने स्टार्ट किया है, मैंने अपने फादर को आइडिया दिया कि क्यों ना हम कुछ एक नया ब्रांड बड़ा एक स्टार्ट करें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो तुझे करना है वो कर, और सपोर्ट है मेरा। तो उनके सपोर्ट से ही मैंने एक नया स्टार्ट किया किप्टा, और उन्हीं की मेहरबानी, उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज मैं स्टार्ट कर पाया हूँ और आपके साथ आज बैठा हूँ यहाँ पे। बहुत अच्छी बात है ये तो। और अगर जैसे मैं आपसे पूछूँ कि ये बाहर के जो, जैसा आपने बोला कि इंटरनेशनल लेवल तक जाना चाहते, इंटरनेशनल लेवल, तो ये अगर इंटरनेशनल लेवल तक जाना चाहते तो बाहर के प्रोडक्ट्स को ये कैसे कम्पीट कर पाएगा? देखिए, हम देखते ही हैं आजकल की मूवीज़ देखते हैं, हॉलीवुड मूवीज़, उनका मैं स्टाइल्स देखता हूँ कि क्या है। अभी जैसे हमने आगे हमारी कुछ वीडियोस आएंगी उसमें भी आप देखेंगे कि अभी जो हमारे K98 में स्टाइल्स चल रहे हैं, अगर आप हॉलीवुड लवर हैं तो आप मैच कर पाएंगे उस चीज़ को कि हाँ जो प्रोडक्ट यहाँ पे रखा है वो वहाँ पे स्टार पहन चुका है। ओके, तो हम पहले से ही हमारे प्रिंट्स वहाँ पे आ रहे हैं जो हॉलीवुड स्टार्स पहन चुके हैं, और बाकी अब बात आती है कि उनके नॉर्मल पीपल क्या पहनते हैं, क्योंकि जो स्टार्स पहनते हैं उनके डिजाइनर्स बनाते हैं, डिजाइनर्स की आपको कॉस्ट पता है, वो इंडिया में भी क्या है तो वहाँ पे तो क्या ही कॉस्ट होगी। ये बात तो सच है। तो फाइनली एक आखिरी सवाल, आप इस ब्रांड को आज से 3 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं? इसको मैं किसी भी एक इंटरनेशनल मार्केट में बूस्ट होता हुआ देखना चाहूँगा, कि जहाँ पे इसको फुल सपोर्ट मिल रहा होगा, हमारी फैमिली का सपोर्ट मिलने वाला है, मेरे को पता है, क्योंकि उनके बिना कुछ नहीं है और वही मेरी फैमिली है, और फैमिली के साथ ही मैं ग्रो करूँगा जैसे। और इसको एक इंटरनेशनल मार्केट में हम ले जाएंगे, इंटरनेशनल मार्केट में हमारा सारा एशिया, ईस्ट एशिया और आपका ऊपर की गल्फ कंट्रीज वगैरह सब कवर करेंगे। तो गाइस बी रेडी, क्योंकि अब एक नया ब्रांड लॉन्च होने वाला है जो आपके सामने है, एंड वेन एवर इट हिट्स द मार्केट इट इज़ गोइंग टू हिट हार्ड। और कनक जी ने ऑलरेडी इसके लिए बहुत लंबी प्लानिंग कर रखी है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ के लिए रेडी रहिए, आप इस चीज़ के लिए मतलब तैयार रहिए कि एक ब्लास्ट होने वाला है इस पूरी नई इंडस्ट्री में। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और हम इनके साथ वीडियोस और बनाते रहेंगे, इनके प्रोडक्ट्स आपके साथ लाते रहेंगे,
आप तब तक किप्टा को सब्सक्राइब कीजिए, ये चैनल बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है कुछ सालों के लिए, और इसके और भी जगह है जैसे आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हम लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बिना सब्सक्राइब करे आपको कोई अपडेट मिलेगा नहीं, और बिना बेल लगाए आइकन दबाए आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो ये दोनों ही बटन दबाना जरूरी है, और साथ में लाइक एंड कमेंट जरूर करिए। बिल्कुल, तो मिलते हैं अगली बार।